झाबुआ जिले के मेघनगर रेलवे रैक पॉइंट पर कटारिया ट्रांसपोर्ट द्वारा लोहे की कॉइल को अनलोड कर क्षमता से दोगुना माल लेकर अंधगति से ट्रक चलाए जा रहे हैं। परिवहन में काम ली जा रही कबाड़ हो चुकी ट्रकों का न कोई फिटनेस और न लीगल परमिट है। इससे आए दिन आम राहगीरों और वाहन चालकों को हादसे होने का डर सता रहा है। रविवार को ऐसा ही कुछ नगर के व्यस्ततम साई चौराहे पर देखने को मिला। कटारिया ट्रांसपोर्ट द्वारा क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग ट्रक साई चौराहे पर पलटने की स्थिति में था। इस वजह से घंटों तक यहां लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार की रात ओवरलोड ट्रक को रेलवे रैक पॉइंट पर सीज कर मेघनगर रेलवे थाने के सुपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंचे परिवहन सब इंस्पेक्टर अक्षय पटेल ने स्थानीय प्रशासन के पंचनामा पर कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में ट्रक मालिक और कटारिया ट्रांसपोर्ट परिवहन ठेकेदार पर कार्रवाई की। इसके तहत हम लोगों को जब जानकारी जब मिली है 1.5 घंटे पहले, तो इसमें आके हमें पता चला कि ये वाहन जो है ओवरलोड है। इसकी क्षमता जो है 39 टन की है, जबकि इसमें 44 टन माल पाया गया। इसके द्वारा हमने इसको जब्ती इसकी वाहन की गई है, और इसी के साथ साथ इसमें इसका मध्य प्रदेश स्टेट का परमिट नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का परमिट है, लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट में इसका परमिट नहीं है, जिसके तहत 0.2 की कार्रवाई इसमें की गई है। सर, जैसे ओवरलोड के तहत 113, 194 और 0.2 207 के तहत इसमें कार्रवाई की गई। सर, कटारा ट्रांसपोर्ट जो वो दोषी, उसमें ओवरलोड अगर चला रहे हो तो दोषी पाए गए। ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्टर दोनों के खिलाफ आपने? अब वो वाहन तो जब्ती की, उसमें हम जुर्माना लेंगे उसका। आगे अगर इस टाइप की जानकारी अगर हमें मिलती है कि बिना परमिट की वाहन चल रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।